तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम से कुड़ी ने फोन किया भी मैं आ गया थोड़े गेट से मैं दरवाजा खोल दरवाजा खोलते सार ही उन्हें कोई हाल नहीं चाल नहीं पूछा आते सार बस अज दे दिन ही जिस कुड़ी मुंडे दा व्याह होया सी मुंडे ने उसे दिन दा फायदा चुकिया अते अपने पेके घर रह रही पत्नी नू आके इस कदर तंग परेशान ते रोंगटे खड़न वाला उसका खात्मा किया कि कोई सोच भी नहीं सकता सी। सारी रात यह दरिंदा पति अपनी पत्नी दे नाल प्यार भरियां गल्लां करता रहा। सवेर हुंदे सार 4 बजे दा हो समा जिस समय वह अपने सहुरा परिवार पहुँच गया जिथे कुड़ी रह रही सी उत्थे पहुँच के उसने फोन किया अते कहा कि दरवाज़ा खोल दे मैं घर दे बाहर खड़ा हाँ। कुड़ी चाई चाई तैयार हुई खड़ी सी ताकि वह अपने पति नू मिल सके पर जिवें ही पति दे लई उसने दरवाज़ा खोलिया तो पति ने होर कोई गलबात नहीं की अते अपनी 6 महीने पहला व्याई हुई इस पत्नी ते ताबड़तोड़ हमला कर दिता। पता लग्या कि करीब 6 महीने पहला दोहां दा व्याह होया सी अते व्याह तो बाद ही सहुरे परिवार दे नाल अनबन रहन तो बाद कुड़ी अपने पेका परिवार बीते 3 महीने तो रह रही सी। लुधियाने दे विच रहिंदा इह सारा परिवार जिथे कि उसका पति पुणे दे विच काम करदा सी पर बीते दिन उसने पहला अपनी पत्नी दे नाल प्यार भरियां गल्लां कीतियां अते फिर कहा कि मैं तैनू लैण वास्ते आ रहा नाले मैं छठ पूजा देखांगा अते नाले मैं तैनू वापस अपने घर लैके जावांगा। इस दरिंदे पति दा नाम नितेश है जिसने कि अपनी पत्नी ते बेरहमी दे नाल हमला कीता अते उसनू मिलण दे बहाने अते वापस लिजाण दे बहाने ही उसदे घर दे विच उह दाखल होया अते उसदी जिंदगी ही खत्म कर दित्ती। जानकारी के अनुसार यह भी पता लग्या कि दोहां दी लव मैरिज सी पर व्याह नू 6 महीने ही होए सन कि 3 महीने बाद ही कुड़ी ने अपना सहुरा परिवार छड़ के पेके परिवार रहना ही ठीक समझिया। दोहां दे विचाले पंचायत दे वल्लों भी फैसला करवाया गया सी अते हुण मुंडे ने यही लारा ला के कि मैं तैनूं वापस लैके जावांगा यही कहिंदे हुए घर दे विच उह दाखल होया अते पेके रहिंदी इस जवान कुड़ी नू जिस दे नाल उह कदे बेहद प्यार करदा सी 3 महीने की लड़ाई तो बाद ही उसका अजिहा कट्टड़ दुश्मन बनिया कि उसनू अपनी पत्नी का सां लेना भी पसंद नहीं आ रहा सी। ओहो पत्नी जेड़ी कि अपने पेके परिवार के विच रह रही सी। यह सारा मामला लुधियाणा के शिमलापुरी के नेड़ले इलाके न्यू जनता नगर तो सामने आया। पता लग्या कि किंज दंड पैलेस रोड से पति अते पत्नी दे विच लड़ाई तो बाद पति ने पत्नी नू बेरहमी दे नाल खत्म कर दिता पर उसने पहला अपनी पत्नी नू गल्लां दे विच लाया प्यार दे विच फसाया ते फिर दरवाजा खुलवाण तो बाद घर दा उस नू जान लै ली। जानकारी अनुसार डॉक्टर प्रमोद कुमार दे वल्लों दस्या गया कि मृतक संतोष कुमारी जिसका विआह लगभग 6 महीने पहला होया सी ओह पिछों बिहार दे ही रहण वाली है किसी गल नू लैके अपनी अनबन तो बाद पेके परिवार के विच रह रही सी अते उसके पेकियां दे घर रहन लगन तो बाद ही पति ने बीते दिनी मौका देखिया अते घर दे अंदर दाखल होके पत्नी संतोष कुमारी दी जान लै ली। इस दौरान संतोष कुमारी गंभीर रूप दे नाल जख्मी हो गई सी जिसनू कि हस्पताल ले जांदे समय ही उसने दम तोड़िया। मृतक लड़की संतोष कुमारी दी मां नू तां इह वी नहीं पता कि उसकी धी की जान जा चुकी है। उसनू यही हुण लग रहा है कि उसकी धी हस्पताल विखे है अते सारे दे सारे रिश्तेदार उसदे कोल ने पर उसनू नहीं पता कि उसकी धी की जान चली गई है। दस दे कि सारे मामले नू लैके पति दे खिलाफ मामला दर्ज करन तो बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है अते लड़की दी मृतक देह नू अगली कार्रवाई दे लई हस्पताल विखे रखवा दिता गया। ये सारी खौफनाक वारदात अज सवेरे घटी है जदों छठ पूजा की तैयारी घर परिवारिक मैंबर कर रहे सन। अपने रिश्तेदारां दे नाल किराए दे मकान दे विच रहिंदे समें ही सारी वारदात हुई है। पुलिस दे वल्लों सारे मामले की गंभीरता दे नाल जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है ते नाल ही CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे ने। फिलहाल यही पता लग्या कि पति अपनी पत्नी की जान लैण तो बाद फरार हो गया। पुलिस दे वल्लों दस्या गया कि वह ट्रेन लैके किते होर जा चुके है। कब हुआ ये? आज करीब 3 बजे या 4 बजे तड़के तड़के हाँ जी सुबह क्या हुआ गया हुआ क्या था वो मेरे जमाई है ना तो वो छठ पूजा है हम लोग का वो त्योहार में वो बोले मैं यहाँ आऊँगा आकर घूम फिर जाऊँगा साथ भी लेके भी जाऊँगा
है ना, तो मैं चलो ठीक है। जब वो काल का बचने वाला था, काल गाड़ी में बैठने वाला था, वो एक दिन पहले ही पता नहीं आ गए हम लोग का, कुछ पता नहीं। ज्यादा गेट खुले उसको चाकू मार दिए। किसने मारा? वो ही घर वाला उसका। हाँ जी, लड़की के घर वाले ने। हाँ जी। क्या नाम है उसका? नितेश। क्यों मारा, क्यों, क्या कारण क्या है? यही तो बात है जे क्या मारा क्यों मारा, ये तो वो रहता था पूना में। आज ही है वो? हाँ जी। अच्छा, वो अभी भाग गया या? हाँ, मार के फिर वो जो चाकू मार के फिर वो भाग गया। अकेला था या कोई और भी? अकेले ही था। क्या नाम है उसका? नितेश। और आपका क्या नाम है? मेरा कानन देवी। कानन देवी। हाँ जी। आप कितनी देर से रह रहे हैं? मैं करीब यहाँ 17-18 साल से रह रहे हैं। आप पुलिस को वेट कर रहे हैं? पुलिस से सुबह फोन उन किया था, मैंने पुलिस वाले उठाए नहीं, फिर अभी किया इधर का, हम बोलते याद नहीं है इतना, तो वहाँ गए हैं सारे। उस समय तो हम लोग ही था सर, वो कोई नहीं था उसमें। हाँ जी, उस समय जब हाँ यहाँ पे जब वो गेट पर मरा। आपका क्या लगता है? हमारे लड़की है। लड़की है, किसने मारा है? वो जमाई है मेरा। अच्छा, मेरे जमाई है। कितनी देर पहले शादी हुई थी? आज 6 महीना हुआ। 6 महीने पहले हुई। हाँ जी। आपकी क्या लगती है भाई? आपकी लड़की से भी कहा? इस समय तो उसको चाकू मार दिए ना। वो अब वहाँ है, सिविल हॉस्पिटल में है, वहाँ पे सारे गए हमारे घर वाले गए। हाँ जी। क्या नाम बताया उसका? नितेश। वो अपनी गाड़ी लाया था जिसमें बिठा रहा था? ये नहीं मालूम। ये नहीं पता? उसके अलावा और कोई लोग थे? ये हो नहीं मालूम है जो कौन कौन आया, वो अकेले ही था अंदर था, जो अकेले ही था। अच्छा। अकेले ही भाग गया, आया किस पर था वो ये भी नहीं पता? ये भी नहीं पता। आपको फिर कैसे पता लगा? उसने शोर मचाया या क्या? शोर कुछ नहीं मचाया। फिर कितनी देर बाद आपको पता लगा बाहर? उसी टाइम में हमारा पता लगा है। बेटी आपकी अकेली थी यानी कि बाहर उसके साथ जाने के लिए? जाने के लिए नहीं। हाँ हाँ। मतलब जो हमारे छठ त्योहार है ना। हाँ हाँ हाँ। उसमें आए हैं वो घूमने। अच्छा, आपकी बेटी और ना? बेटी मेरा यही था। अच्छा, वो जमाई मेरा आया था पूना से, वो घूमने आया था। हाँ, बोले जो घूम कर यहाँ छठ पूजा होते हैं तो घूम उम कर हम लोग लेकर चला जाऊंगा यहाँ। अच्छा। लड़कियों बोले मैं भी चला जाऊंगा। तो वो 2-3 बजे करीब आए, आकर लड़की को फोन किया जे मैं आ गया हूँ, तुम गेट खोल दो। तो वो गए गेट खोलने, उसको कहीं कुछ नहीं पूछा, बढ़िया निमन कुछ नहीं पूछा, उसको चाकू मार दिया। बेटी कितनी देर से रह रही थी आपके पास? हमारे पास वो गए 3 महीने। झगड़ा वगैरह हुआ था इनका? नहीं, झगड़ा नहीं, मतलब जो जमाई नहीं रहता है ना। हाँ हाँ। वो रहते हैं पूना, इसलिए यहाँ ले रखे हूँ जी, छठ पूजा हो जाना फिर उसके साथ में चलो। देखो, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सी आज सवेरे होया। ये जड़ा है एक बंदा जड़ा अपनी घरवाली नू मिलन लई माने से आंदा है, और पिछे दा जड़ा है चंपारण वेस्ट पिंड जड़ा है वो सॉरी जो जिला है बिहार दा ओदा ये रहन वाला है। ये पता चलिया है कि जड़ी वो कुछ समा पहले जड़ा इस नाल इहदे घर घरवालियां ते इहदे जड़े इनलॉज नाल अनबन होण करके आई सी। पहले इन्हां दी सहमति नाल जड़ी अपने आपस विच शादी हुई सी 1 साल पहले, और पिछे जदों ये वापस आई है उहदे बाद भी लड़दे झगड़दे रहिंदे सी। अज जिहड़ा घरवाला करीब 4:30 बजे इत्थे पहुँच करके उन्हूं फोन करता है, मैं छठ पूजा दे संबंध विच इत्थे पहुँचे होया ते तुसीं जिहड़ा दरवाज़ा खोल के मैनूं अलाउ करो। जिदा ही वो दरवाज़ा खोल दिए ये वालों चाकू नाल 6 वार किए जाते हैं, और वो मौके पर ही सीरीयसली उन्होंने इंजर हो जाती है। जदों तक उन्होंने सिविल अस्पताल लेके जाते हैं, इस जो एक्यूज्ड है उन्होंने आइडेंटिफाइड ही है, उन्होंने फड़न लई असी कार्रवाई कर रहे हैं। वो पता चलिया है कि काफ़ी 6:30 बजे के आसपास कोई ट्रेन लेकर के इतों जोड़ा है भज गया सी, और असी जोड़ा है GRP RPF नाल तालमेल रखते हुए उन्होंने ट्रेस करने की कोशिश में लगे हुए। कुछ समय पहले जड़ा है ये लुधियाना आकर के भी अपनी वाइफ नाल रहा है, उसी वेले जड़ा है यदि जान पहचान बनी सी। फिलहाल जड़ा है ये पीछे चंपारण वेस्ट अपने पिंड विच रह रहा सी, और उत्थे ही जड़ी है अपनी विवाह करके इस लेडी नू लैके गया सी।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।